नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि गॉल ब्लैडर स्टोन क्या होता है। गॉल ब्लैडर अगर स्टोन डायग्नोज होता है तो आपको क्या करना चाहिए। मैंने बताया कि गॉल ब्लैडर स्टोन अगर बहुत छोटा है और अर्ली स्टेज पे है, मतलब पहली मंथ है, तो वहां पर जाके मेडिसिन से काम चल सकता है। मगर हर एक गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो मेडिसिन से डिजॉल्व नहीं होता है, मतलब मेडिसिन देने के बाद वो क्लियर नहीं होता है। कुछ ऐसे स्टोन से जो क्लियर हो सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो मेडिसिन से कुछ काम नहीं होगा। तो अगर मेडिसिन से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ज्यादा टाइम हम वेट नहीं कर सकते हैं, एक महीना दो महीने कुछ नहीं हो रहा है, मतलब आपको बार बार यूएसजी करके देखना है। क्या यूएसजी करना है? होल एब्डोमेन यूएसजी करना है। होल एब्डोमेन का यूएसजी आपको करना है, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ होल एब्डोमेन, उससे आपको पता चल जाएगा। तो उसको कर करके देखना है कि मेडिसिन लेने के बाद, पहले मेडिसिन लेने के पहले क्या था, साइज क्या था स्टोन का, मेडिसिन लेने के बाद क्या हो रहा है। अगर साइज एक रह रहा है या फिर बढ़ रहा है, इसका मतलब है मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, तब जाके आपको जो करना है सर्जरी, क्योंकि ये सर्जिकल प्रोसीजर जो है बहुत ही सेफ भी है और बहुत ही इफेक्टिव भी है। बहुत रूटीन सर्जरी के तरीके से सर्जरी जो है हम इसका किया जा सकता है। तो गॉल ब्लैडर की सर्जरी करने के लिए क्या करते हैं हम? नॉर्मली गॉल ब्लैडर की सर्जरी तब होता है जब गॉल ब्लैडर में स्टोन पाया जाए, मतलब गॉल ब्लैडर फंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है, उसके मतलब है गॉल ब्लैडर फंक्शन नहीं कर रहा है। तो जब गॉल ब्लैडर फंक्शन ही नहीं कर रहा है तो उसको रखने का फायदा क्या है ना? तो हम उसको काट के निकाल देंगे, फेंक देंगे, यही है ऑपरेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि काट के सिर्फ स्टोन को निकालेंगे और स्टोन को बाहर रखेंगे, नहीं, हम गॉल ब्लैडर को ही काट देंगे, उसको टोटली उठा के बाहर फेंक देंगे। तो यहां पर गॉल ब्लैडर स्टोन का जो सर्जरी है, माइक्रो सर्जरी होता है। नॉर्मली मैं अगर यहां से ऐसे आपको दिखाता हूं, जो ये बॉडी की बाहर का जो हिस्सा है इसको मैं ऐसे ऐड कर देता हूं। तो अगर आपको पता नहीं गॉल ब्लैडर स्टोन क्या है तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, अगला वीडियो देखिए। अगला वीडियो में हमने बात की है कि गॉल ब्लैडर स्टोन क्या होता है, कहां पर होता है। तो नॉर्मली ये जो लीवर है इसके पिछले की हिस्से की तरफ होता है, यहां पर आपको देख सकते हैं थोड़ा बहुत जो गॉल ब्लैडर की जो बॉडी की पार्ट है वो दिखाई देता है बाहर यहां से। तो यहां पर भी तो स्किन होते हैं, यहां पर जो टॉर्सो इसमें स्किन नहीं है। तो क्या होता है कि नॉर्मली जब हम देख लेते हैं कि हाँ सर्जरी के टाइम है, तो सर्जन क्या करते हैं, यहां पर दो तरीके का सर्जरी हो सकता है। एक हो सकता है कि आपको माइक्रो सर्जरी किया जाए, मतलब लैप्रोस्कोपी के सहायता से सर्जरी किया जाए। उसमें क्या होता है कि चार स्किन में छेद होगा, ठीक है, दो यहां पर, एक नेवल जो पैसेज है वहां पर एक छेद होगा, साइड में होगा, ओके, और ऊपर होगा, साइड में दो और ऊपर होगा। ये चार पॉइंट में या फिर तीन पॉइंट में किसी भी टाइम पर छेद होता है, और उस छेद में से जो है लैप्रोस्कोप अंदर की तरफ दिया जाता है, लैप्रोस्कोप ऐसे इंसर्ट किया जाता है। लैप्रोस्कोप क्या होता है, नॉर्मली समझो हम जब ओपन सर्जरी की बात करते हैं, दूसरी टाइप का सर्जरी ओपन भी होता है, मतलब ओपन सर्जरी अगर करना है तो हमको क्या करना है, यहां से इंसिशन देना, यहां से काटना होगा, लंबा काटना होगा, ठीक है, इतना लंबा काटना होगा, और चलिए काट लिया। काटने के बाद क्या करना है, हम तो लीवर को यहां से बाहर नहीं कर सकते, सब कुछ जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स है वो सब बहुत टाइटली, मतलब एक साथ कंबाइंड तरीके से लगा हुआ होता है, ऐसा नहीं होता कि सब फैला हुआ। तो वैसे आप किसी को भी खींच नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, यहां पर जाके इसके अंदर ये जो जगह है, मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं फिर से, ये होता है गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये गॉल ब्लैडर है, और ये गॉल ब्लैडर इसको हमको निकालना है। और ये गॉल ब्लैडर जो है ऐसे ही बाहर के तरफ ऐसे बलून की तरफ दिखता है, मगर ऐसे फ्लोट नहीं करता है, ये स्टिक होता है, मतलब चिपका हुआ होता है लीवर के बैक साइड पीछे की तरफ से। लार्ज पोर्शन ऑफ द लीवर जो होता है, ये स्मॉल पोर्शन, ये लार्ज पोर्शन है, लार्ज पोर्शन के पिछले हिस्से की तरफ ये चिपका हुआ होता है। तो ये डिफिकल्टी होता है, ये एक चैलेंज होता है इस ऑपरेशन का, कि अगर ये नॉर्मली फ्लोटिंग होता तो हम यहां से काट देते, उसको फेंक देते, बहुत आसान होता, मगर क्या है कि यहां पर ये चिपका हुआ होता है। तो यहां से क्या करना पड़ता है, धीरे 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 इसको काट करके निकालना पड़ता है, ताकि लीवर सेल को डैमेज ना पहुंचे। और सिर्फ ये लीवर ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसे पोजिशन होता है ना, तो ये गॉल ब्लैडर है, देख सकते हैं आप, ये गॉल ब्लैडर है, इसके साथ साथ ये जाके ड्यूओडेनम में मिसता है, हेपाटोबिलियरी डक्ट है, हेपाटिक डक्ट है, मतलब लीवर से आता हुआ एक पाइप, गॉल ब्लैडर से आता हुआ एक पाइप, दोनों पाइप फ्यूज है एक साथ, और ये पैनक्रियाटिक पाइप भी आके यहां पर मिलता है। तो पैनक्रियस भी बहुत नजदीक होता है,
तो हमें यहां से गॉल ब्लैडर को निकालना है। जब हम निकालते हैं तब पैनक्रियस में भी चांस होता है कि पैनक्रियस में कांची चल जाए या फिर फोर्सेप जो है यहां से हमको निकालने के टाइम पर पैनक्रियस में भी कुछ चोट पहुंचे। तो हो सकता है कि कभी कभी, बहुत रेयर केस है, 10,000 में शायद एक हो सकता है जहां पर पैनक्रियस में थोड़ा बहुत दिक्कतें हो सकते हैं ऑपरेशन के बाद, ठीक है, मगर रेयर केस है। नॉर्मली बहुत आसान से ये यहां से हम स्क्रैप करके इसको निकाल लेंगे और बाहर फेंक देंगे, तो उससे जो है सर्जरी कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो कॉलर है, नॉर्मली और एक सिचुएशन हो सकता है जब जाके ये जो स्टोन्स है वो यहां पर है, वो स्टोन जाके कॉलर में फंस जाता है या फिर हेपाटोबिलियरी डक्ट में फंस जाता है। तो क्या करते हैं हम, नॉर्मली कॉलर में जगह अगर स्टोन फंस जाए तो वहां से वहां पर हम काट देंगे, काट करके यहाँ पर नॉर्मल क्लिप लगाया जाता है, दो क्लिप लगाएंगे और यहां से बीच में से काट देंगे। क्लिप क्यों लगाते हैं, जाके जो सिक्रीशन है वो फ्लो मत हो, तो यहाँ पर क्लिप दोनों तरफ साइड में क्लिप लगाएंगे और बीच में से काट देंगे। काटने के बाद वो क्लिप जो है वहां पर हम नॉट दे देंगे, मतलब सुई दे देंगे, उसके बाद ये जो है गॉल ब्लैडर को यहां से धीरे 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 लीवर से अलग करेंगे और उठा के फेंक देंगे। तो ये होता है गॉल ब्लैडर सर्जरी। तो ये सर्जरी करने के टाइम पर मैं बताया आपको कि एक हो सकता है कि पैनक्रियास में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आए, पैनक्रियाटाइटिस थोड़ा बहुत टाइम पर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है कुछ पेशेंट्स में। तो नॉर्मली माइक्रो सर्जरी जो है चार वो छेद करके वो सेम जो है प्रोसेस जो कैंची से फोर्सेप्स से किया जाता है वो सेम है, मगर यहां पर बाहर से हम ऑपरेट करते हैं, कांची जो है वो ओपन नहीं करते हैं। एक बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं, उस चैनल्स को अंदर, मतलब पाइप जैसे चैनल्स को अंदर घुसाने के बाद वहां पर जाके बाहर से हम ऐसे ऑपरेट करते हैं, तो अंदर भी ऐसे ऑपरेट होता है। मतलब ये है मुंह और यहां पर है हमारे हाथ में कैंची, हम यहां से ऐसे ऐसे करेंगे तो अंदर भी ऐसे कैंची की तरफ वो काम करेगा। तो ऐसे जाके जो है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ऐसे किया जाता है। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से चार वो छेद होगा, उस हिसाब से सर्जरी हो जाएगा। अगर लैप्रोस्कोपिक तरीके से सर्जरी होता है तो नॉर्मली हॉस्पिटल स्टे होता है एक दिन, और नॉर्मली जिस दिन सर्जरी होता है उसके नेक्स्ट जो दिन है दूसरे दिन में ही रिलीज किया जा सकता है, या फिर एक दिन रखने के बाद तीसरे दिन में भी रिलीज किया जा सकता है, ठीक है। अगर कॉम्प्लिकेशन है, मतलब एक दिन रखा जाता है हॉस्पिटल में ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है नहीं, पैनक्रियास ठीक से फंक्शन कर रहा है नहीं, कोई पेन दर्द वगैरह है या नहीं, अगर सब कुछ ठीक है तो कोई बात नहीं है, उसके अगले ही दिन में रिलीज किया कर दिया जाता है। अगर पेन रहता है, कुछ पैनक्रियास में प्रॉब्लम है और कुछ है, तो उसको फर्दर स्टडी करने के लिए एक दो दिन और रखा जाता है, अगर ये माइक्रो सर्जरी है तो। मगर ये अगर ओपन सर्जरी है, नॉर्मली माइक्रो सर्जरी टारगेट होता है, अभी सब जगह पर माइक्रो सर्जरी होता है, क्योंकि ये 20 से 25 मिनट लगता है माइक्रो सर्जरी करने में, ठीक है। जो एक्सपीरियंस सर्जन है वो 20 से 25 मिनट लेंगे माइक्रो सर्जरी करके ये जो गॉल ब्लैडर है उसको निकालने के लिए। मगर अगर माइक्रो सर्जरी के टाइम पे ऐसा पता चले कि जैसे कैमरा, उसके अंदर कैमरा भी होता है, तो जैसे कैमरा अंदर घुसाने के बाद अगर ऐसा पता चलता है कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम है अंदर, या फिर समझो कि पहले कुछ ऑपरेशन हो चुका है, उसके वजह से कुछ ऐसे स्टीचेस से कुछ प्रॉब्लम से कुछ अलग है, ट्यूमर्स वगैरह कुछ ऐसा मिला जिसके वजह से माइक्रो सर्जरी नहीं हो पाएगा, तब जाके ओपन भी करना पड़ सकता है। अगर ओपन सर्जरी करना पड़ सकता है तो तब जाके हॉस्पिटल स्टे जो है 6 से 7 दिन हो जाता है, क्योंकि तब जो कट है वो बहुत लॉन्ग होता है, बड़ा कट होता है, स्टिच भी होता है बहुत सारे, और माइक्रो सर्जरी में जो स्टिच होता है 1-2 स्टिच होता है, उससे ज्यादा स्टिच नहीं होता। तो नॉर्मली माइक्रो सर्जरी करने के बाद जो पेशेंट है वो नॉर्मल डाइट पे भी रहेगा और एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ, लाइट वेट एक्सरसाइज वो सब कर सकते हैं, उसके साथ साथ ये जो रिकवरी है 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में नॉर्मली रिकवर हो सकता है। एज भी एक फैक्टर है, अगर उसको निकाल दिया जाएगा, अगर यंग एज है तो 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में रिकवरी हो जाता है, एज ज्यादा है तो 1 महीना तक लग सकता है रिकवरी होने में। और इसके साथ साथ और भी ओबेसिटी भी प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल, अगर ओबेसिटी है तो वहां पर सर्जरी होने में टाइम ज्यादा लग सकता है, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो सकता है। अगर अंडर वेट है और नॉर्मल वेट है तो वो सर्जरी बहुत आसानी से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगर ओबेसिटी है तो यहाँ पर एडिपोज टिश्यू ज्यादा होता है। यहाँ पर एडिपोज क्या है, जहां पर फैट टिश्यू होता है, यहाँ पर येलो कलर का जो अब लेयर देख सकते हो बाहर की तरफ, यही एडिपोज लेयर है जो मैक्सिमम होता है निचले पेट के हिस्से पर, तो ये ज्यादा होता है, उसके हिसाब से ओबेसिटी के टाइम अलग अलग से प्रॉब्लम्स होते हैं, हाई प्रेशर का प्रॉब्लम हो या फिर शुगर ब्लड शुगर का प्रॉब्लम हो तो जाके हीलिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, अदरवाइज ये बहुत सेफ सर्जरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेथ रेट है 1 लाख में 1, तो
तकरीबन ना कि बराबर, और पैनक्रियाटाइटिस का जो इश्यू है वो हो सकता है 10,000 में एक लोगों को हो सकता है, और 1,000 में एक लोगों को ओपन सर्जरी भी करना पड़ सकता है कुछ अंदर की कॉम्प्लिकेशंस के वजह से। तो ये रहता है गॉल ब्लैडर सर्जरी। ठीक है, बहुत आसान तरीके से गॉल ब्लैडर सर्जरी आप कर सकते हो। अगर गॉल ब्लैडर आप डायग्नोस होते हो गॉल ब्लैडर स्टोन से तो बिल्कुल मत डरिए, बहुत आसान सा सर्जरी है, मगर कोई एक्सपीरियंस सर्जन से करवाएं और कोई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जन से ही करवाएं। जनरल सर्जन भी करते हैं, ये भी बहुत रूटीन सर्जरी वो भी करते हैं, मगर ये माइक्रो सर्जरी अगर हो सके तो वही करवाएं। और जो कॉस्ट रहता है नॉर्मल इंडिया में, कॉस्ट के बारे में बता देता है, एक नॉर्मल कॉस्ट जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 50,000 से लेकर 80,000 का कॉस्ट हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर ये डिपेंड करता है, कैसा कॉम्प्लिकेशन है, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाए तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 5,000-10,000 मैक्स टू मैक्स ऐसा भी हो सकता है, तो इस हिसाब से ये सर्जरी होगा विथ मेडिसिन में अगर बताऊं यहां पर, तो इस हिसाब से ये सर्जरी हो सकता है। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट गॉल ब्लडर सर्जरी। सो अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि और भी जो सीजन का वीडियो है आपके पास पहुंच सके, और अच्छा नहीं लगे तो बताइए क्यों अच्छा नहीं लगे, और डेफिनेटली शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चल सके। थैंक यू, बाय।